हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस जार में थिक कर्ड फ्रूट वाला बनाएंगे। तो इसके अंदर मैंने पहले शक्कर पीस ली है, इसलिए आपको ये जार इस तरह से दिख रहा है। तो मैं पीसी हुई शक्कर डालूंगी, ये मैंने ग्राइंड कर ली थी, सॉरी। और इसके अंदर मैं दही डालूंगी, ये एक बाउल के करीब एक गिलास दही है, और ज़रूरत पड़ी तो हम एक और ले लेंगे, और मेम्बर्स के हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड्स। और ये आधा बाउल के करीब पीसी हुई शक्कर है, मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी, और ये करीब आधा बाउल से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर है। ये मिल्क पाउडर मैं ये वाला यूज में लेती हूँ, एवरीडे नेस्ले का। इससे थिकनेस आएगी और क्रीमीनेस होगी और बहुत अच्छा बनेगा अपना कर्ड। और इसके अंदर ये दूध की ऊपर की मलाई ली है थोड़ी सी, इसी के अंदर मैं डिजॉल्व करूँगी ये मिल्क पाउडर को। तो ये सब मिला के अभी हम ये थिक कर्ड बनाते हैं फ्रूट वाला। और फ्रूट में मैं अभी सिर्फ अंगूर है, इसकी कटिंग कर ली है मैंने अंगूरों की, और ये अनार है, इसे गार्निशिंग भी करेंगे। और अब मैं आपको मिला के बताती हूँ। तो पहले मैं ये दही मिला रही हूँ, ये एकदम फ्रेश वाला दही लेना है आपको, एकदम फ्रेश है, आप देख सकते हैं। इससे क्या है कि खट्टापन नहीं आएगा इसमें। ये मैंने दही ले लिया आपको, अभी मैं मिला के दिखा रही हूँ। अभी मैंने एक गिलास ही लिया है दही, और इसी के अंदर मैं ये थोड़ी क्रीम जो होती है ऊपर की मलाई दूध की, वो मैंने डाल दी। ये बहुत जल्दी बन जाता है, व्रत है आपके तो आप ये इसे ले सकते हैं। और ये मिल्क पाउडर है, इससे थिकनेस अच्छी आएगी और क्रीमीनेस आएगी, क्रीमीनेस टेक्सचर आएगा। इसी में शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये मैं अभी आधा बाउल से थोड़ी कम ही डाल रही हूँ, और इन सबको हम डिजोल्व कर लेंगे, इस तरह से डिजोल्व करेंगे। और अभी मैं इस जार में डिजोल्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना थिक कर्ड बना है, बहुत स्मूथ है। तो अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, मैं इस जार में अभी आपको सर्व करके दिखाऊंगी और गार्निश भी करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ग्लास में मैंने खाली कर दिया है, और इसको मैंने अंगूर और अनार से गार्निश भी कर दिया है। तो आप देखिए कितना मस्त लग रहा है, और बहुत जल्दी बन जाता है, व्रत है आपका तो आप आराम से ये ले सकते हैं। ये शॉर्ट थिक शॉर्ट है, ये थिक कर्ड शॉर्ट बहुत मस्त लगेगा फ्रेंड्स। तो आप इसी तरह से बनाइए और सबको पसंद आएगा घर में, व्रत में आप सब लोग इजीली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थिक फ्रूट कर्ड आप व्रत में भी ले सकते हैं और आप कभी भी ले सकते हैं, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय फ्रेंड्स, बाय।